गर्भ के अंदर ही शिशु का शरीर बनता है, ढांचा बनता है, मसल डेवलप होती है और 9 महीने तक ये विकास चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है, जो गर्भावस्था में चल रही है, पहले से उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं रहा है, कमजोरी रही है या फिर डिफिशियंसी में ही चलती आई है, उसी में प्रेगनेंसी रही है, तो ऐसे में बच्चे में भी कमजोरी के तो पूरे चांसेस हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान आप में अवेयरनेस आती है कि आप मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, क्योंकि जो न्यूट्रिशन लेवल है शिशु के जन्म के बाद भी वो इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ। अब आपके अंदर कैल्शियम की भारी कमी है तो बच्चे की हड्डियों का ही विकास अच्छे से नहीं होगा। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, प्रेगनेंसी है, वॉमिटिंग आती है, नोजिया होता है, खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती, खाती हूँ उल्टी हो जाती है। सो चलिए देखते हैं एक इनोवेटिव नेचुरल आयुर्वेदिक आइडिया जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ कि आप हमसे जुड़ चुके हैं, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर दिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ ताकि आपकी प्रेगनेंसी बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में वंश लोचन, जिसको कि तबाशीर भी कहा जाता है, एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। अभी होता क्या है तो थोड़ा जान लेते हैं कि जो बांस के पेड़ होते हैं उनके जो जॉइंट्स है, बांस में जगह जगह आपने जॉइंट्स देखे होंगे, तो उस जॉइंट्स में एक सफ़ेद सफ़ेद सा क्रिस्टल जैसा, सिलिका जैसा, जिसको बैम्बू सिलिका भी कहा जाता है, वो जमा होता है। एंड यही बैम्बू सिलिका वंश लोचन है। इसको बांस के पेड़ को काटकर एक्सट्रैक्ट करके और कमर्शियल पैकेजिंग करके और मार्केट में लाया जाता है, तो इसको हम वंश लोचन कहते हैं। ये टेस्ट में न्यूट्रल होता है, आपको कोई कड़वा, खट्टा, कसैला कोई टेस्ट नहीं आता, शीतल होता है और मधुर होता है प्रकृति में। तो ये पित्त को शांत करता है, लीवर को कूल करता है, ये भर भर के कैल्शियम होता है इसमें, तो कैल्शियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में 1200 mg के लगभग कैल्शियम की आवश्यकता एक प्रेग्नेंट माँ को होती है। उसकी कैसी स्टेटस है, कैल्शियम का स्तर क्या है आपके पैथोलॉजी में जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग, तो डॉक्टर कई महिलाओं को शुरू से ही कैल्शियम देना चालू करती है। तो ऐसे में अगर आप नहीं ले पाते हो तो वंश लोचन को भी आप अपने डॉक्टर से पूछ कर, प्रेगनेंसी में आपको नहीं पता कि डॉक्टर ने जो दवाएं दी हैं वो कितनी कैपेसिटी की हैं, आपको कितना लेना है, तो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि क्या हम ये चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आपके कैल्शियम की डोजेस कम है, दवा नहीं पच रही, नहीं ले पा रहे, तो वंश लोचन 2 से 3 ग्राम वंश लोचन सेफ है, कम मात्रा में सेफ है। इसको आप मुंह में रख के अगर क्रिस्टल मिला है आपको तो चूस सकते हैं। जैसे सुबह आपको बहुत नोजिया वॉमिटिंग आ रही है तो ये उसको भी शांत कर देता है। पानी में थोड़ा सा मुश्किल से घुलता है तो चूस कर या किसी फूड में ऐड करके भी आप इसको ले सकते हैं। एक दिन में 5 ग्राम से आप कम मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। तो वंश लोचन के ज्यादा क्वांटिटी में खाने से, अगर आप 2-2 चम्मच भर के खा रहे हो तो नुकसान है, लेकिन सीमित मात्रा में खाते हो, आप 2 से 3 ग्राम तक खाते हो, 5 ग्राम से कम लेते हो, मतलब एक चाय का चम्मच जो है उतना अगर आप ले लेते हो फूड के अंदर ऐड करके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखें, शुद्ध वंशलोचन आपके पास होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से आप शुद्ध वंशलोचन खरीद सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को मिट्टी चौक खाने की हैबिट होती है। वंशलोचन इवन बच्चों को भी दिया जाता है जिनको कि मिट्टी खाने की आदत होती है, यानी कि कैल्शियम की कमी है, आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आपको भी प्रेगनेंसी में नॉन एडेबल आइटम जैसे बर्फ खाना, कच्चे चावल खाना, चौक खाना, मिट्टी खाने की प्रॉब्लम है, तो उनको आप सिंपली वंशलोचन दीजिए। परिचय में कोई है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वंशलोचन लीजिए। जैसे ही आपको हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी वो बैड हैबिट्स छूट जाएंगी, क्योंकि खाने से आपको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जो गंदी चीजें क्रेविंग्स में इंसान खा लेता है, मिट्टी चौक वगैरह। तो वंशलोचन इन सब हैबिट्स को छुड़ाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसको तबाशीर भी कहा जाता है। अगर आप ऑलरेडी ले रही हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वंशलोचन पर, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप उसे यूज कर रही हैं। आप हमसे यूं ही जुड़े रहें ताकि आपके प्रेगनेंसी के लिए आपको और भी बेहतर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। स्टे ट्यून्ड।